नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। तो लगभग हमने इसके सवाल कर लिए हैं। आज अपन इस तरह करेंगे अंतिम भाग, जिसमें बचे हुए जो सवाल हैं वो करेंगे इस क्लास में डिस्कस। तो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा। आज का जो क्लास है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो सवाल हैं वो किस तरह से थ्योरेटिकल इतने सवाल दिए हुए हैं और आपको सवाल बहुत ईजी हैं। आज के जो सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट इतने बड़े सवाल को देखकर ही डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये सवाल जितने बड़े हैं उससे कहीं इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि इतने इजी हैं। चलिए हम बात करते हैं। हमारा जो सवाल नंबर है 17, 5.3 का 17 नंबर सवाल, देखिएगा क्या दिया हुआ है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, पेड़ लगाने के बारे में सोचा स्कूल के अंदर और बाहर। यदि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कोई भी कक्षा है उसके अंदर जितने नंबर की वो कक्षा है, जैसे पहली कक्षा है तो वो एक पेड़ लगाएगा, लेकिन उसके जितने अनुभाग है, जितने उसके सेक्शन है, वो भी उसके उतने ही पेड़ लगाएंगे। आगे सवाल को समझते रहना। उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग पेड़ एक पेड़ लगाएगा, कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग, यहां तीन है, तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि इस तरह से लगाते हैं। यानी पहली कक्षा वाले एक सेक्शन है पहली कक्षा का तो वो एक पेड़ लगाएगा, ठीक है, इस तरह से पेड़ लगाते हैं इत्यादि। ऐसा 12 कक्षा तक के लिए चलता रहेगा। 12वीं कक्षा वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 12, लेकिन उसका एक सेक्शन। आगे क्या दिया है, प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के क्या है, तीन अनुभाग। उदाहरण के समझते हैं, ये मान लो पहली कक्षा है, पहली कक्षा के तीन सेक्शन है, ये सेक्शन ए बी सी तीन अनुभाग है, ये भी एक पेड़ लगाएगा, ये भी एक पेड़ लगाएगा, ये भी एक पेड़ लगाएगा। बात करते हैं कक्षा सेकंड, इसके भी तीन अनुभाग है, इसके भी तीन सेक्शन है ए बी सी, ये दो पेड़ लगाएगा, ये भी दो पेड़ लगाएगा, ये भी दो पेड़ लगाएगा। देखो ये कहा हुआ है प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के तीन सेक्शन है। अब आपको बताना है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बतानी है, कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। चलिए समझते हैं। हम ये कहते हैं प्रत्येक कक्षा, या अपन ये सीधा लिखते हैं कक्षा एक द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या। ध्यान दें यहां पर कितने अनुभाग हैं, तीन अनुभाग है, कितना पेड़ लगा रहा है, एक अनुभाग एक पेड़। देखो तीन अनुभाग है, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। इसी तरह कक्षा सेकंड द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या होगी, तीन अनुभाग है, तीनों ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो इस तरह से लगाएगा, ठीक है। कक्षा तीसरी में कैसे आ जाएगा, तीसरी भी अब आपको समझ में आ गया, तीन अनुभाग है और प्रत्येक कक्षा तीसरी कक्षा है तो तीन तीन पेड़ लगाते हैं। इस तरह से चलता 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 ये जब 12 कक्षा तक जाएगा, 12वीं कक्षा के लिए, तो 12वीं कक्षा के लिए बताओ कितना हो जाएगा, तीन सेक्शन है 12वीं के भी और प्रत्येक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, प्रत्येक सेक्शन कितना लगाएगा, 12 पेड़। तो हमारे पास यहां जरा ध्यान से देखो तो एक समांतर श्रेणी बन रही है, तीन को एक से गुणा किया तो तीन, तीन को दो से गुणा किया तो छह, तीन को तीन से गुणा किया तो नौ, और 12 को तीन से गुणा किया 12 3 36। तो बताओ एक समांतर श्रेणी बनी या नहीं बनी, यानी पहली कक्षा वाले तीन पेड़, दूसरी छह, फिर नौ, इस तरह से करते करते टोटल कितने पेड़ लगेंगे, 36 पेड़। 12वीं वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 36। अब आपको बताना है कुल पेड़ कितने लगे, तो इस समांतर श्रेणी से क्या आप समांतर हल नहीं कर सकते, प्रथम पद 3, सार्वअंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो 3, अंतिम पद एन बराबर कितने हैं, कितनी कक्षाएं हैं, कितने पद हैं, 12 पद हैं, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं तो 12 पद, और अंतिम पद क्या है, एन बराबर कितना है, 36। देखो आपको सवाल बस इतना बड़ा दे रखा था, यहां पर देख के आपको डरना नहीं है, सवाल को अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ते ही आपने अगर ये तीनों लाइनें अगर अच्छी से बना ली है चारों, तो आपका सवाल बहुत ही आसान है। ये कुछ नहीं है, सवाल आपको इतना बड़ा दे रखा है, बस आपने ये चीज समझ ली ना, ये इतनी चीज, अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया
तो ये आपके लिए बहुत ही आसान से सवाल है। इस चीज को आपको समझना है कि प्रत्येक कक्षा के तीन सेक्शन है, पहली क्लास के भी तीन सेक्शन है, दूसरी क्लास के भी तीन सेक्शन है, तीसरी ऐसे बारहवीं तक तीन तीन सेक्शन है, और जितनी क्लास है प्रत्येक सेक्शन उसका उतना ही पेड़ लगाता है। पहली क्लास वाले तीनों सेक्शन वाले एक एक पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास वाले प्रत्येक सेक्शन वाले दो दो पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निकाला, और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान से तरीके से अब आपको समझ में आ गया, आसान से हल कर सकते हैं। तो Sn यानी कुल पदों की संख्या का सूत्र क्या होता है, n बटे दो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इससे हम कर लेंगे, हल करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आप चाहे तो ये भी सूत्र लगा सकते हैं, Sn बराबर n बटे दो a प्लस l या an अंतिम पद, दोनों में से जो आपको सरल लगे लगा लो, दोनों ही लग जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये वाला पद लगाया। तो पदों की संख्या कितनी है 12 बटे दो, पहला पद कितना है 3, अंतिम पद कितना है 36। ये इससे कटेगा पूरा पूरा तो कितना आ जाएगा, 12 में 2 का भाग दिया 6, 3 को इससे जोड़ा तो 39, 39 को 6 से गुणा कर दो, 39 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 में होता है 54, 5 6 18 और 5 23। तो कुल पेड़ लगे यहां लिखेंगे, अतः कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 234। ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस तीनों चीजें आपकी निकल गई ना, ये चार चीजें आपको आपने आसानी से निकाल लिया, क्योंकि दिया हुआ था हमारे पास एक एपी बन चुकी थी। इस एपी से हमने क्या किया, इसके सारे पद हल कर लिए। बस वो इतना बड़ा पहरा ये दे रखा था कि हमको एपी बनानी आनी चाहिए। तो ये था इसका 17 नंबर सवाल। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी आपको दिखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बहुत ही आसान सा है। किस तरह से सवाल देखो, पढ़िएगा ध्यान से। केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर ऐसे करने वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी स्पेरल बनाया, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। यानी आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा समझा दूं, एक लाइन है, पहले एक अर्धवृत्त बनाया जिसमें केंद्र क्या लिया है, ए लिया है, फिर इसके बाद में ये बी केंद्र लिया, फिर इसके बाद में यहां से बनेगा फिर से ए केंद्र बन जाएगा, फिर यहां से लेंगे तो फिर से बी केंद्र बन जाएगा। तो ये सारे अर्धवृत्त बनते जा रहे हैं, एक एक अर्धवृत्त बनता जा रहा है, ठीक है। ऐसा ही चित्र में आपको दिखाया गया, देखो पहले का केंद्र ए है, दूसरे का केंद्र ये बी हो गया, फिर से केंद्र ए हो गया, फिर से केंद्र बी हो गया, ऐसे करते करते चलता जा रहा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने ये ए लिया था, ये हमारा ए केंद्र है, ये अर्धवृत्त बना, ठीक है, इसकी जितनी लंबाई है, फिर ये बी बना, बी केंद्र से इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, ऐसे करते करते 13 अर्धवृत्त बने हुए, 13 की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम दे देते हैं त्रिज्या, त्रिज्या आपको क्या दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इस तरह से चलती चलती जाएगी, ठीक है। अब अपन कहते हैं पहले अर्धवृत्त की लंबाई, जरा ध्यान दें, ये आप इतनी सी लंबाई कैसे निकालोगे, लंबाई तो ऐसी है, ये तो सिर्फ आपको लाइन खींचने के लिए इसका केंद्र है, ये लंबाई कैसे निकालोगे आप, वर्त के बाहर की लंबाई कैसे निकालते हो, ये कैसे निकालते हो, ये वर्त की परिधि है, पूरी परिधि है, तो वर्त की परिधि को क्या कर दो, आधा कर दो। यानी इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। हम इसका क्या करेंगे, अर्धवर्त है इसलिए क्या करेंगे, 2 का भाग, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ रहेगा पाई आर। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, पहले वर्त के लिए पाई की जगह एक बार पाई रहने दो, आर का मान कितना है 0.5 और पाई, 0.5 पाई। इसी तरह दूसरे अर्धवर्त का, दूसरे अर्धवर्त की लंबाई क्या हो जाएगी, इसी तरह क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगा पाई R2, ये R1 हो गया R2, पाई की जगह पाई रहने दो, दूसरे में कितनी है 1 पाई, 1.0 है ना, तो 1 पाई। इसी तरह तीसरे अर्धवर्त में ये क्या हो जाएगा, पाई R3, इसका मान कितना है 1.5 पाई। तो इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है।
तो हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां से क्या करते हैं, इसकी बनाते हैं एपी। देखो पहला मान क्या है 0.5 पाई, दूसरा मान क्या है 1.0 पाई, तीसरा मान क्या है 1.5 पाई। इस तरह से ये चलता जा रहा है, इस तरह से चलता जा रहा है। अब अपन क्या करते हैं, यहां पे चाहे तो आप पाई के अंदर गुणा करा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा देखें। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो हमारा क्या है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, ये एक समांतर श्रेणी है, प्रथम पद ये बराबर क्या हो जाएगा 0.5 पाई। डी बराबर निकाले तो सार्वांतर, दूसरे पद में से पहला पद 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई। अब देखो एक पाई में से 1.5 पाई जाएगा तो 0.5 बचेगा। कैसे किया इसको समझ लो, पाई हमने कॉमन ले लिया, यहां दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक माइनस या 1.0 माइनस 0.5, एक में से आधा जाएगा तो 0.5 रहेगा, ठीक है। इसमें से घटा के देख लो तो ये क्या आ जाएगा, ये। तो मैंने इसको क्या कर लिया, यहां पर सीधा लिख दिया, तो ये हमारा क्या आ गया डी। अब पदों की संख्या कितनी है, 13 अर्धवृत्त है। अब हमें क्या करना है, इस 13 की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम सीधा सा सूत्र लगाते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। आप पूछेंगे सर दूसरे वाला सूत्र लगा सकते हैं क्या, आप बताओ लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते क्योंकि अंतिम पद पता नहीं है। तो चलिए हम इसके अंदर बांध रख देते हैं, कितने पद हैं 13, तो 13 बटे दो दो ए, ए का मान कितना है 0.5 पाई, पाई साथ में रखना ध्यान रखना, प्लस एन माइनस एक यानी 13 माइनस एक, और डी का मान कितना है, डी का मान भी है 0.5 पाई। बस इसको हल करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे कैसे रहने दो 13 बटे दो, इसको गुणा करो। देखो हम क्या करते हैं 0.5 को 2 से गुणा करते हैं, तो 2 पंजे कितना हो गया 10, एक संख्या बाद पॉइंट तो एक संख्या बाद, यानी एक आ गया मान, इसका कितना आ गया 1 पाई, 1.0 पाई या 1 पाई। 13 में से एक जाएगा तो 12, 12 गुणा 0.5 पाई, 12 को तो 5 से गुणा कर सकते हैं ना 0.5 से, तो हम इसको गुणा करा लेते हैं। तो 12 को 0.5 से गुणा कराते हैं, तो देखो मैं गुणा करके बताता हूं, 0.5 गुणा 12, 12 पंजे कितना होता है 60, एक संख्या बाद पॉइंट लगाना तो 6, कितना आ जाएगा 6। तो यहां पर आ गया 13 बटे 2 गुणा, यहां पर है हमारा पाई, एक पाई कह दो या सिर्फ पाई कह दो, प्लस 6 पाई। 12 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया 6, 12 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 6, नहीं तो दूसरा तरीका है, इसका पॉइंट हटाओ बटे में आ जाएगा 10, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 के बड़े से कटेगा 6, तो 6 बचा। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे मैंने आपको बताया उस तरह से आप कर सकते हो, दोनों ही तरीके आप लगा सकते हो यहां पे। चलिए हमने यहां तक कर लिया, अब इसको आगे हल करते हैं, 13 बटे 2 पाई, 5 पाई में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पाई में एक जोड़ा तो 7 पाई, कितना हो गया 7 पाई। अब इसको गुणा कर दो, 7 पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, पाई का मान कितना है 22 बटे 7, तो हमने ये देखा कि ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 के पाड़े से ये पूरा पूरा कटा 11 बार, 11 को 13 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 3 4 और 1 143, कितना आ जाएगा 143। तो उसकी कुल लंबाई जो होगी 143 सेंटीमीटर, अतः कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। देखो आपने कुछ भी नहीं किया है, सीधा सा हमें पता है कि हमने एक समांतर श्रेणी यहां पर बन रही है एपी, क्या बन रही है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 0.5, तो उसका आधे वर्त का परिधि क्या होगा, अर्धवर्त का परिधि पाई आर होता है, तो पाई की जगह पाई आर की जगह, एक बार आर ये रखेंगे एक बार ये आर रखेंगे, इस तरह से मान बढ़ते जाएंगे। और पद कितने हैं 13, हमने प्रथम पद निकाल लिया, डी निकाल लिया, एन का मान 13 है, सीधा एसएन वाला सूत्र लगे और बहुत ही आसान से तरीके से हमें इसका आंसर आ जाएगा। देखो सवाल दिखने में बहुत मुश्किल था, लेकिन इसको आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। चलिए हम इसी तरह का नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी आपको सवाल दिखने में मुश्किल लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो क्या दिया हुआ है, 200 लट्ठों को डेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली में 19 लट्ठे, उससे ऊपर अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि,
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये 200 लठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठे, ये नीचे वाली सबसे लाइन है ना, इसमें 20 लकड़ियां रखी हुई है ऐसे इस तरह की, इससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर 18, उससे ऊपर 17, 16, 15, टोटल 200 है। अब 200 के लिए कितनी लाइनें बनेगी एक तो ये बताना है, और दूसरा सबसे ऊपर वाली लाइन में कितनी लकड़ियां आएंगी वो बताना है। तो चलिए बात करते हैं कुल लठ, कुल लठे कितने हैं 200। कुल लठे का मतलब क्या है, योग दिया हुआ है जिसको हम SM कहते हैं, 200। प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति में जिसमें हम कहेंगे A, A बराबर कितना है 20। द्वितीय पंक्ति या दूसरी पंक्ति, उसमें हम क्या कहेंगे, दूसरी पंक्ति में क्या होगा A2, जिसका मान कितना है 19। इस तरह से चलता जा रहा है, तो हमारी AP क्या बन जाएगी, 20, 19, 18, इस तरह से जाती है। ठीक है, तो इससे हमारा A बराबर तो आपको पता है 19 है। D बराबर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में, सॉरी, A बराबर कितना है 20 पहला पद, दूसरा पद D का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 19 में से 20 जाएगा तो माइनस करेगा। और आपको ये नहीं दे रखा है कि कितनी इस तरह की लाइनें हैं, वो भी नहीं दे रखा, और आपको ये भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक तो मान निकालना है सबसे ऊपर वाली पहली पंक्ति में क्या आएगा, यानी ए एन का मान और एन का मान दोनों ही आपको निकालने हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस एन का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, एस एन बराबर एन बटे दो, दो ए प्लस एन, दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मान रख दो इसके अंदर। SN की जगह मैं पहले से ही दे रखा है 200 लकड़ियां हैं, तो 200 N रख बराबर 200 रखेंगे, SN की जगह 200 रखेंगे, प्लस N बटे 2, N हमें पता नहीं है, 2A, A का मान भी हमें क्या है, A का मान कितना है 20 दे रखा है, प्रथम पद हमारा क्या है 20, हमने ये माना है ये हमारा पहला पद है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से है, सबसे लास्ट वाला लेना है हमने पहला पद जिसमें 20 लकड़ियां हैं। N का मान हमें पता नहीं है, लेकिन D का मान हमें पता है -1, कितना है -1। चलिए इसको हल करते हैं, 200 को इधर लाते हैं, 2 को इधर लाए तो ये हो गया, ये n पड़ा है, 2 को 20 से गुणा किया 40, प्लस इस -1 के अंदर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा माइनस का n। ध्यान देंगे यहां पे माइनस का n, 1 को माइनस 1 को n से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का n, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। तो ये 200 को इससे गुणा किया तो ये आ गया 400, n का n पड़ा है ये 40, n प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का n और ये प्लस का 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस 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 ही रहेगा, तो ये हमारा आ गया 400, ये 40 भी प्लस का 1 प्लस का है तो कितना हो जाएगा 41 माइनस, 41 माइनस क्या आ जाएगा n, 41 माइनस क्या आ जाएगा n, इसको आगे लिख लेते हैं और फिर आगे इसको हल करते हैं। तो हमारे पास आया है 400 n 41 माइनस n, चलिए हम इसको n को फिर से अंदर गुणा करा देते हैं, n को 41 से गुणा करेंगे तो 41 n माइनस n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, पक्षांतरण करके सबको इधर ले आते हैं, तो n सबसे पहले n को लाएंगे तो माइनस का इधर आएगा प्लस का, 41 इधर आएगा तो माइनस का, ये 400 पहले से इधर पड़ा है तो ये प्लस का ही रहेगा बराबर 0। हमने यहां पर सिर्फ पक्षांतरण किया है, क्या किया है पक्षांतरण। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ चुकी है, इसके साथ n है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ चुकी है, बस इसको हल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, n का मान आ जाएगा बराबर में क्या बचा हुआ है 0। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 41 आ जाए और गुणा कराने पर 400, ऐसी दो संख्या हमने सोचनी है जिनको गुणा कराने पर आ जाए 400 और जोड़ने पर आ जाए 41, चाहे वो तरीका लगा लो चाहे आप द्विघाती सूत्र से कर लो। तो वो संख्या होती है 25 और 16, 25 और 16 जोड़ के देख लो, 25 और 16, 41, 25 को 16 से गुणा कराते हैं तब कितना आता है, 25 को 16 से गुणा कराएंगे तो आएगा 400। तो हमारे पास संख्या क्या है n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का ही 16n, क्यों, क्योंकि ये 41 माइनस का आना चाहिए तो दोनों ही संख्या माइनस की लेंगे। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे पहले तो n कॉमन आएगा n माइनस 25, यहां से कॉमन हम लेंगे माइनस का 16, n बचेगा 16 का बड़ा, कितनी बार बोलने पर 400 आएगा 25 बार,
बाहर माइनस कॉमन ले रखा है इसलिए यहां माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस यहां क्या बचेगा, एन माइनस 25 दोनों में कॉमन लिया तो एन माइनस, अब लिखेंगे यदि एन माइनस सॉरी एन माइनस 25 बराबर जीरो हो तो, 25 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा, और यदि एन माइनस 16 बराबर जीरो हो तो एन बराबर 16, एन के दो मान आ गए 25 और 16, ये कैसे संभव हो सकता है कि 25 लाइनें हो तो भी हो जाएगा और 16 लाइनें हो तो भी हो जाएगा। चलो इसको आगे और कल करेंगे तब अपने को और पता चलेगा, अभी तक तो ये पता चला है उसकी पंक्तियां कितनी है, 16 पंक्तियां हैं। अब हमें यह भी ज्ञात करना है कि पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी ए एन बराबर, तो ए एन बराबर ज्ञात करेंगे तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मान रखो ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ए का मान कितना था हमारा 20 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 25 रख के देखो, डी की जगह माइनस एक है, एन की जगह कितना रखा हमने, पहला मान लिया 25। चलो इसको हल करते हैं, 25 में से एक जाएगा तो 24 गुणा माइनस एक ये आ गया 20, 24 को माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस का 24, तो ए एन बराबर कितना आ गया माइनस का 4। माइनस की लकड़ियां 4 हो सकती है क्या, लकड़ियां हमने रखी तो माइनस में थोड़ी हो सकती है, तो इसको हम रखेंगे असंभव, यानी एन का मान हम क्या नहीं लेंगे, एन बराबर 25 नहीं लेना है, संभव नहीं है। अब गणित है, गणित तो ये क्या है, ये तो आपको माइनस में भी बता देगा लेकिन वैसा संभव नहीं है, तो अब लेंगे एन बराबर 16 रखने पर, लेने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब रख के देखते हैं, ए की जगह 20 प्लस 16 माइनस एक गुणा डी का मान माइनस एक, 20 माइनस 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 15 माइनस एक, तो यह आ जाएगा 20 माइनस 15, इसको एक से गुणा करेंगे 15 तो 5, तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी पहली पंक्ति में कितनी लकड़ियां होंगी 5 और कुल पंक्तियां कितनी होंगी 16, कुल पंक्तियां होंगी 16 और पहली पंक्ति में 5 लकड़ियां। आपसे सवाल में पूछा क्या था, देखो एक तो यह पूछा था सबसे पहले तो कितनी पंक्तियां होगी, कितनी पंक्तियां तो 16 पंक्तियां, आपसे पूछा था सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, कितने होंगे 5 लट्ठे, ये आपको आंसर लिखना है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सिंपल सा, ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, बस ये है कि इसको लैंग्वेज के रूप में दिया है तो पहले हमें समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी और उसके बाद में हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं अगला और अंतिम सवाल 20वां। बोर्ड पर देखने को आपको लग रहा होगा कोई पैराग्राफ दे रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह भी एक सवाल है गणित का और बहुत ही आसान सा सवाल है, जितना बड़ा सवाल दे रखा है उतना तो इसका आंसर भी नहीं है, तो सवाल देख के कभी ना घबराएं, ऐसा नहीं है कि सवाल देखते ही, बहुत सारे बच्चे जिनको गणित से डर लगता है वो इस तरह के सवाल देखते ही पहले डर जाते हैं, ऐसे तो होगा ही नहीं, अब सवाल को पढ़ोगे ना तो बहुत ही आसान सा सवाल बन जाएगा। देखो किस तरह से, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, क्या सवाल दिया हुआ है, एक आलू दौड़ पोटेटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, यहां पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, ये एक बाल्टी रखी हुई है, अब क्या कह रहा है, जो पहले आलू को 5 मीटर दूरी पर है, जो पहले आलू से कितनी मीटर दूरी पर है 5 मीटर दूरी पर है, ये यहां से लेके पहला आलू यहां रखा हुआ है और ये दूरी 5 मीटर है इस बाल्टी से, उसके बाद कह रहा है अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर, अब उसके बाद में सबके बीच में 3 मीटर, यहां से यहां 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, इस तरह से फिर 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, आपस में 3-3 मीटर पे आलू रखे हुए, ठीक है, एक सीधी रेखा में रखे गए, इस रेखा में 10 आलू रखे गए, कितने हैं 10 आलू हैं टोटल आलू कितने हैं 10 हैं। अब आप आगे देखिए, जिसमें चित्र में प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में चलना प्रारंभ करती है, बाल्टी से चलना यानी क्या करेगा, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़की है, वो यहां से इस स्थान से इधर की तरफ चलना प्रारंभ करेगा, ध्यान से सुनना अब बात को, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, चलना प्रारंभ करती है, निकट आलू को उठाती है और लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, ये यहां पर आएगी, इस आलू को उठाया और वापस आके इस आलू पहले बाल्टी में डालेगी, फिर दोबारा से भागते हुए दूसरे नंबर वाले पे जाएगी, फिर यहां से आलू को उठाएगी और इस बाल्टी में डालेगी, फिर यहां से चलेगी तीसरे आलू पे जाएगी, वहां से वापस आएगी उतनी दूरी और यहां पर चलेगी, कुछ समझ में आ रहा है,
ध्यान से समझिएगा, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले सबसे पहले वो इसी स्थान तक आएगी, यहां आई, बालू को इसको उठाया, वापस गई और बाल्टी में डाल दी, यानी 5 मीटर उसको इधर जाने में लगा, 5 मीटर वो वापस आएगी, फिर आलू को बाल्टी में डालेगी, कुल कितना चलना पड़ा, 10 मीटर। चलिए दूसरे की बात करें, दूसरे में वो क्या करेगी, दूसरे में यहां तक जाएगी, फिर से इस आलू को उठाएगी, इस बाल्टी में ला देगी। अब टोटल कितनी दूरी चली, 5, ये थी 3 मीटर और आगे, 5 और 3 कितने होगी, 8 मीटर, 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर वापस आएगी, फिर बाल्टी डालेगी, इसी तरह सभी आलुओं को डाल देगी। तो आगे क्या हुआ है, अब देखो ये कह रहा है, निकट आलू को उठाती है और उसे लेकर आकर दौड़ कर बाल्टी में डाल देती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, दूसरे आलू में दौड़ते हुए जाएगी, उसको उठाएगी, वापस बाल्टी में डालेगी, और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में नहीं आते, 10 के 10 आलू जब तक बाल्टी में नहीं आ जाए तब तक भागते रहते हैं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ लगानी पड़ेगी, वो आपको याद करना है। चलिए हम इस सवाल को करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहले आलू के लिए तय दूरी, पहले आलू के लिए कितनी दूरी है, देखो 5 मीटर वो जाती है लेकिन 2 चक्कर लगाती है, एक बार जाने में और एक बार आने में, एक बार जाएगी 5 मीटर, देखो यहां पे हमने अभी सीखा था 5 मीटर यहां तक जाएगी फिर 5 मीटर वापस आएगी, इसलिए हमने इसको 5 को 2 से गुणा किया है, ये आ गया, तो टोटल कितनी आ गई, 10 मीटर। अब है दूसरे आलू को, दूसरे आलू के लिए कितनी हो जाएगी, 5 + 3 और गुणा 2। ध्यान से समझे कैसे, देखो वो यहां से चलना प्रारंभ करेगी, 5 मीटर यहां तक पहला आलू था, अब इसके आगे 3 मीटर और चलेगी तभी दूसरे नंबर पे जाएगी ना, पहले आलू पे 5 मीटर फिर उसके बाद 3 मीटर और, क्योंकि सभी आलुओं के बीच में आगे दूरी 3-3 मीटर है, इसके बाद नेक्स्ट वाला फिर 3 मीटर फिर 3 मीटर, तो 8 मीटर चलेगी आने में और 8 मीटर जाने में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मान, ये हो जाएगा 5 और 3 = 8 × 2 यानी 16। इसीलिए तीसरे आलू की इसी तरह कितनी हो जाएगी, 8 + नेक्स्ट वहां तक कितनी दूरी थी, 8, 8 में 3 और जोड़ दो गुणा 2, 8 और 3 कितने हो गए, 11 गुणा 2 कितने हो गए, 22। तो हमारे पास एक एपी बन चुकी है जो क्या है, 10, 16, 22 इस तरह से। तो अब यहां पे हम कर सकते हैं, इसका प्रथम पद कितना है, 10 है ना पहला पद, अब हम इसका डी का मान निकालें तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 16 में से घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6, और पदों की संख्या कुल कितनी बार जाएगी, वो 10 चक्कर लगाएगी, 10 आलू है 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10 आलुओं के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10 बार वो उसको उठा के लाएगी। हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, हमें कुल दूरी, कुल दूरी हम किससे निकालेंगे, Sn से, सूत्र लगा दो Sn का, क्या करना है, Sn का सूत्र लगाया ना, Sn बराबर n बटे 2 2a + n - 1 × 2, मानक 2 10 / 2 n की जगह 10 रखना है, a का मान कितना है, पहला पद कितना है, 10, तो 10 रखा, प्लस n - 1, n का मान भी कितना है, 10 ही है, और d का मान कितना है, 6, d का मान कितना है, 6, बस 10 में 2 का भाग दिया 5, 2 को 10 से गुणा किया 20, प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 6, हल कर लो सीधा उत्तर आ जाएगा, 20 प्लस 9 छके कितना होता है, 54, 54 और 20 कितने हो गए, 74, 74 को 2 से गुणा, 5 से गुणा कर दो, 74 बने कितना हो जाएगा, 5 × 20 और 7 × 35 36 37, 370 मीटर, 370 मीटर कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी किसी भी प्रतिभागी को, 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी, 370 मीटर। तो 370 मीटर दूरी करते ही वो सभी आलू क्या है, उस बाल्टी में डाल देंगे। तो देखो सवाल तो बहुत ही इतना बड़ा दे रखा था, इतना बड़ा आपको सवाल में इतनी लैंग्वेज लिखी हुई थी, लेकिन सवाल करते हुए देखो यहां तो मैंने आपको करके ये बताया प्रत्येक पद निकालने के लिए, बाकी सवाल हमारा यहां से शुरू होता है, ये तो हमने मान लिखे हैं, सवाल तो बस 3 स्टेप में खत्म, तो बहुत ही आसान सा सवाल था। तो इस तरह से आपको किसी भी सवाल से डरना नहीं है, लगातार सवाल की प्रैक्टिस करनी है, अगर आप सवाल की लगातार साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गणित में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हमेशा आप वीडियो को पूरा होने के बाद में जब भी आपको समय मिले आप सवाल को खुद हाथ से कॉपी में करके जरूर देखिएगा।
जिससे आपकी गणित बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं आपको पेपर में किसी भी सवाल को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो के साथ ये पांचवी प्रश्नावली आपकी समांतर श्रेणी यही समाप्त होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।